हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी ये सब्जी दिख रही है और मैंने बनाई है मूली और मूली के पत्तों से ये सब्जी, और बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं मूली के पत्तों में भी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मूली को और मूली के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया था और इन्हें बिल्कुल ऐसे बारीक कट कर लिया है। मूली को ऐसे छोटे पीसेस में कट करा है और इसके पत्तों को भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ पालक लिया है, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम कुकर में मूली के पत्तों को और मूली को डालेंगे और यहाँ पर मैं इसमें 2-3 विसल लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दाना मेथी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लंबी स्लाइस करी हुई प्याज। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक कुक करेंगे और इसमें 2 बारीक चॉप करी हुई मैंने हरी मिर्च डाली है। तो प्याज अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक मैंने इसमें डाला है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और मसालों को अच्छे से कुक होने देंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से कुक हो गया है। अब यहाँ पर मैंने पालक के पत्ते लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके इन्हें एकदम बारीक चॉप कर लिया है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पालक को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जब तक कुक करेंगे जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ा श्रिंक ना हो जाए। तो पालक जैसे जैसे सॉफ्ट होएगा बिल्कुल कम इसकी क्वांटिटी हो जाएगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल श्रिंक हो गया है पालक अब। तो अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मूली और मूली के पत्ते। इसका जो पानी था मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, सारा पानी जो है इसका निकाल दिया है और ऐसी छोटी बॉल से बना ली है मैंने इसकी। तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मूली के पत्ते और मूली को आप ऐसे कुकर में बॉईल कर सकते हैं जिससे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे ये और ये सब्जी बिल्कुल जल्दी बनकर तैयार होगी। तो मूली को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मूली को हम थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे ताकि इसमें जितना भी मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ये। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं इसे ढककर कुक करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जी जो है बनकर तैयार है और बिल्कुल अच्छे से मसाला इस पे कोट हो गया है। तो विंटर सीजन में बहुत ही अच्छी मूली आती है और आप मूली और मूली के पत्तों की सब्जी इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये सब्जी होती है। तो सब्जी बनकर तैयार है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसे सर्व करेंगे।
तो इस तरीके से आप ये सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूली के पत्तों को फेंकने के बजाय आप इस तरीके से अगर सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।